अंदना पैर संभाले बच्चा क्या बात है, कहाँ खो गए तू? बाबा वो जल्दी दर्द भरे अंदाज में यूसुफ का नाम लेते क्या गा रहा था। आओ बच्चा मैं तुम्हें सब समझा देता हूँ। आओ बेटा, मेरा बेटा बच्चा पास। बच्चा वो जोगी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का मंजूम किस्सा बयान कर रहा था। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कौन थे बाबा? बच्चा हजरत यूसुफ अलैहि सलाम हजरत याकूब अलैहि सलाम के बेटे थे। उनका वतन किनान फलस्तीन था। उनके सतेले भाइयों ने चंद खोटे सिक्कों के इर्ज उन्हें फरोख्त कर दिया और वो गुलाम बनाकर मिस्र ले जाए गए। बाबा ये गुलाम क्या होता है? चौधरी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो इकबाल? सब माल मवेशी तो ठीक है ना? आहा चौधरी साहब अल्लाह का फजल है। मालिक थोड़ा राशन चाहिए था। अच्छा जरा ठहर के आना और ले जाना। अच्छा मालिक चलता हूँ। बच्चा ये इकबाल हमारा आज भी है, हमारा खिदमत गुजार, हमारे भेड़ बकरियों के रेवड़ यानी अजरों की हिफाजत करने वाला आजरी, आज ये हमारी गुलामी कर रहा है और कल उसके बच्चे तुम्हारी खिदमत करेंगे। बाबा आप गुलाम आजरी कैसे बनाते हैं? बच्चा जिस तरह तुमने इस तोते को पिंजरे में बंद करके इसकी आजादी छीन ली है, ये फड़फड़ा तो सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। और हाँ अगर कभी उड़ने की कोशिश करेगा तो हमारे शिकारी बाज के पंजे दबोच लेंगे। लाला जी आदाब। अरे इकबाल तुम कब आए? बस लाला जी आज ही पहुंचा हूँ। कैसे आना हुआ? लाला जी थोड़ा गुड़ और चावल चाहिए था। दुकान तो मैं बंद कर चुका था। खैर अब तुम्हारी खातिर दोबारा खोलनी पड़ेगी। क्या बात है लाला जी आज आप बड़ी जल्दी दुकान बंद कर रहे हैं? क्या बताऊं इकबाल भाई, तुम्हारी भाभी उम्मीद से है और आज उसकी तबीयत भी जरा खराब है। भगवान ने चाहा तो शायद आज मेरी बरसों की उम्मीद पूरी हो जाएगी। और हाँ तुम्हारी बीवी भी तो। हाँ लाला जी अल्लाह के घर से उम्मीद तो है लाला जी,
शायद खुदा हम दोनों की जोलियां आज ही भर दे। फातो भी सख्त बीमार है। इकबाल, ये दिन भी भगवान ने मुझे तुम्हारी मेहरबानियों से देखना नसीब किया है। अगर तुम मुझे पीर बाबा के मजार पर ना ले गए होते तो शायद मेरी दुआ कभी कबूल ना होती और मैं इस दुनिया से ना मुराद ही चला जाता। लाला जी, इसमें मुझ गरीब की कोई मेहरबानी नहीं, ये तो अल्लाह और पीर बाबा का कर्म है। और हाँ लाला जी, मन्नत पूरी करना ना भूलिएगा। हाँ देखो इकबाल, मेरे लायक कोई खिदमत हो, किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना, झिझकना नहीं। अरे किसान का बेटा हूँ, कोई बनिया नहीं हूँ। अच्छा, राम राम। अच्छा, आदाब। चौधरी साहब, चौधरी साहब, दरवाजा खोलिए चौधरी साहब, मेरी फातिमा सख्त बीमार है चौधरी साहब, चौधरी साहब मर जाएगी वो, चौधरी साहब दरवाजा खोलिए, मैं हूँ इकबाल। चौधरी साहब क्या उठिए, मेरी फातिमा सख्त बीमार है चौधरी साहब। इकबाल आज भी आया है, न जाने किस मुसीबत में होगा। सोचा शेफी भी, इस तूफानी रात में हम क्या कर सकते हैं, चिल्ला कर खुद ही चला जाएगा। नहीं चौधरी साहब, नहीं, आज भी बहुत मुसीबत में है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। सो जाओ शेफी भी, तुम्हें राजवी पर जरूरत से ज्यादा रहना जाता है, सो जाओ बस। राम कीजिए मुझ पर चौधरी साहब, राम कीजिए। इस अजाब से मुझे नजात दो। और हाँ इकबाल, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, झिझकना नहीं। अरे किसान का बेटा हूँ, कोई बनिया नहीं। और हाँ इकबाल, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, झिझकना नहीं। अरे किसान का बेटा हूँ, कोई बनिया नहीं। बैठो। लो एक बार मुंह मीठा करो, भगवान ने तुम्हारी भाभी की गोद हरी कर दी, लड़का हुआ है लड़का। मुबारक हो लाला। अरे क्या बात है इकबाल, मैं तो पूछना ही भूल गया कि तुम इस वक्त कैसे आए थे, भाभी खैरियत से तो है ना। लाला जी, मेरी फातिमा सख्त बीमार है, मेरी मदद कीजिए लाला जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। इकबाल भाई सब्र करो, सब्र करो इकबाल, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं चलता हूँ। बेटा दीना, कहाँ जा रहे हो तुम? बहू के पास बैठो, भला तुम वहाँ जाके क्या करोगे? ये मेरा काम है, मैं जाती हूँ। अच्छा माँ। थी कि ये भी तुम्हारी गोद में पले। स्त्री का जन्म दूसरों की रक्षा और भलाई के लिए ही हुआ। स्त्री का जन्म दूसरों की रक्षा और बलिदान के लिए ही हुआ है। माजी, इसे तो अपने बेटे से कम नहीं चाहूंगी। एक मेरी दाई तरफ रहेगा तो दूसरा मेरी बाई तरफ। भगवान तू कितना दयावान है। बाल, बस कर अब रोना धोना। मरने वाले वापस नहीं आते और मुर्दों के लिए आंसू बहाना ठीक बात नहीं है। अजड़ों की खबर ले, कई दिनों से उनका कोई पता नहीं। मेरा मुराद कहाँ है? मेरा मुराद कहाँ है? मेरा मुराद कहाँ है? मेरा मुराद कहाँ है? मर जाना सुखिया दरखता भरिया नहीं होना, भरिया भी सुख जा। अच्छी नहीं होती। दुहाई है चौधरी साहब, दुहाई है। जालिमों ने मुझे बहुत मारा और आपको
आपको बला बुरा कहा। कौन है वो, किसकी मौत आई है, अगर हुआ क्या तफसील बयान कर। मैं घोड़ों के लिए घास काट रहा था कि चीमा, अरे और चीमा, तुमने मेरी बकरियां तो नहीं देखी? अरे देखी नहीं, सालियों का बांध भी लिया है। आखिर क्या समझ कर चौधरी असलम की चिरागा में आई थी? देख चीमा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी रोजी का सवाल है, मेरी बकरियां छोड़ दे। छोड़ दूं? वाह, ऐसे कैसे छोड़ दूं? जब तक चौधरी गुलशेर खुद यहाँ ना आए और चौधरी असलम के पाँव ना पकड़े, बकरियां यही रहेंगी। खबरदार चीमा, मेरे मालिक के बारे में एक लफ्ज भी कहा मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। हाँ खबरदार, जो बकरी वहां से गए तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे देख साहू, टुकड़े टुकड़े किसके हो गए? ओए, तेरी ये मजाल, मेरे ही इलाके में मेरा नुकसान करो और मेरे ही आजड़ी को मारो। जाओ गुलशेर से कह दो अगर घास नहीं है तो मांग ले मुझसे, मगर अपनी बकरियों को और यूं आवारा तो ना छोड़े। सीमा छोड़ दे से, और हाँ, इन बकरियों का फैसला गुलशेर के आने पर ही होगा। असलम, आज या तुम नहीं या हम नहीं, आओ मेरे साथ। चौधरी साहब, क्या चौधरी गुलशेर आज की आपने बेइज्जती बर्दाश्त कर सकेगा? ओए फजलिया, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, जो होगा देख लेंगे। चौधरी साहब, चौधरी साहब, गजब हो गया। क्या बात है चीमा? गुलशेर अपने साथियों के साथ हमारी तरफ आ रहा है। क्या उसकी ये मजाल? चीमा तू यहीं रुक। इंसान होकर इंसान का खून बहाना इंसान को इंसानियत से गिरा देता है। गुस्सा हराम है, जो नफ्स पे काबू रखे वही सच्चा इंसान और मर्द कामल है। जो हुआ हमें मालूम है, बहस की जरूरत नहीं, बकरियां वापस कर दी जाए, बुरे अल्फाज और मारपीट से परहेज किया जाए, चरागाहों की मुकम्मल हिफाजत हो, आइंदा छोटी बातों की शिकायत ना हो, वरना सख्त सजा दी जाएगी। खबर दी थी सभी तैयारियां हो चुकी हैं, अभी तक आया नहीं। माँ मैंने तो उसे कल ही कह दिया था कि वक्त पर आ जाना, बस आने ही वाला होगा। लो आ ही गया। आओ आओ इकबाल भाई। सैयद जी आदाब। मौलवी साहब अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों को मालूम ही है भगवान मेरे घर में दो दो बच्चों की परवरिश कर रहा है, और इनमें से एक बच्चा इकबाल भाई का है। लाला जी मेरा क्या है, सब कुछ आपका ही है। बेशक, जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है, मगर मेरा और तुम्हारा क्या है, सब ऊपर वाले का है। मौलवी साहब, आप बच्चे के लिए कोई अच्छा सा नाम तजवीज कीजिए। मुबारक हो लाला जी,
बच्चे का नाम सूरह यूसुफ में से यूसुफ निकला, बच्चे का नाम यूसुफ ठीक रहेगा। बहुत बहुत मुबारक हो इकबाल भाई। मौलवी साहब, यूसुफ ही ठीक है, फिर फकीर बाबा भी तो यूसुफ का नाम लेके गाते रहते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, वो अपने चेहरे पर हमेशा नकाब रखते थे। जी हाँ, मेरा यूसुफ किसी से कम है क्या? आज ही मैं इसे काला टीका लगा दूंगी ताकि किसी की नजर ना लगे। और पंडित जी, आप भी दूसरे बच्चे के लिए कोई अच्छा सा सुंदर सा नाम बताइए। लाला जी, जन्म और राशि के हिसाब से सास ही इसका नाम होना चाहिए। तो फिर क्यों ना इसका नाम सुंदरी रखा जाए। वाह, अति सुंदर। यूसुफ सुंदर है और सुंदर ही यूसुफ है। बेटा, पीर बाबा के मजार पर जाना ना भूलना। अरे मरियम, ओ मरियम जान, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ। अरे भाई, ये प्याली चाय हमें भी दे दो। हाँ, अभी लाती हूँ, गर्म करके। बशीरे, अरे ओ बशीरे। आया चाची, पतीला साफ हुआ कि नहीं हुआ? बहुत काला था चाची, अब देख कैसा चमक रहा है। अरे अब तो मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल जाए इसे अंदर आ। ठीक है चाची। वो चौधरी असलम अभी तक नहीं आए। अरे भाई आ जाएंगे, और भी तो काम होते हैं पलिये लोग के। लगते हैं वो आगे बोले। अस्सलामुअलैकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। दिलावर बेटे, ये रुखसाना है, जाओ खेलो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मेरा गुड्डा है। ये मुझे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कैसे नहीं देगी? साना बेटी, ऐसा नहीं कहते, ये गंदी बात है। बहन मरियम, आज से रुखसाना हमारी बेटी है। और दिलावर हमारा बेटा। तो ठीक है भाई जी, हो जाए बात पक्की। और पक्की भाई जी, पक्की। अरे एक बात, आओ आओ। आदाब लाला जी। कैसे आना हुआ? लाला जी, थोड़ी चाय लेने आया था। हाँ, क्यों नहीं, ये लो। और ये दूसरी पुड़िया चीनी की है। अरे चीनी के बगैर चाय का क्या मजा। इकबाल, ये तुम्हारी दाढ़ी में सफेद बाल। हाँ लाला जी, वक्त के साथ साथ हर शे बनती और टूटती रहती है। आज फातो को गुजरे पूरे 6 साल हो गए, ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। हाँ भाई, ठीक कहते हो, वक्त के निकलते कुछ पता नहीं चलता। अब देखो ना, बच्चे भी 6-6 साल के हो गए हैं। उन्हें स्कूल में दाखिल करवाने के लिए मैं शहर भेजने की सोच रहा हूँ, और इसी सिलसिले में मैंने लाजो के भाई भूषण को भी बुलवा रखा है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए और बात निकल पड़ी। मेरा ख्याल है तुम्हें तो इसमें कोई इतराज नहीं होगा। लाला जी, नेकी और पूछ पूछ, भला मैं कौन? आज तक जो कुछ भी किया आपने ही किया, आप जो मुनासिब समझे कीजिए। तो ठीक है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो। चौधरी साहब, आपका आज भी है इकबाल, उसका लड़का यूसुफ पूरे 6 साल का हो गया है। तो? और लाला जी कह रहे थे उसको पढ़ने के लिए शहर भेजने वाले हैं। वो पढ़ लिख के वो अफसर बनेगा। इकबाल, इकबाल चौधरी साहब, सब ठीक है ना?
मुझे तुम पर बहुत तरस आता है, बहुत काम करना पड़ता है ना तुझे। भाई वैसे भी अब तुम्हारी उम्र ज्यादा हो चुकी है, ये भेड़ बकरियों के पीछे भागना अब तुम्हारे बस में नहीं, इसलिए मेरी बात मानो तो लाला के घर से अपने बेटे यूसुफ को ले आओ। कम से कम बकरियों की देखभाल करना तो सीख ले। लेकिन चौधरी साहब, वो तो शहर में तालीम हासिल करना चाहते हैं। भाई आजड़ियों के बच्चे हमेशा आजड़ी ही रहते हैं, उन्हें तालीम से क्या। फिर वैसे भी तुम्हारे बुजुर्गों ने पुश्त दर पुश्त हमारे बुजुर्गों की खिदमत की है, और जो पुश्तों से होता चला रहा है तुम्हें भी वही करना चाहिए। ले आओ ये सब तुम्हारा। करव कर जोरी चिंता कबू नहीं बात के तात करिए जनी मोरी। अरे आओ इकबाल भाई। खैरियत तो है ना भाई, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या बताऊं लाला जी, अपनी तो किस्मत गिरवी रखी जा चुकी है, कुछ भी अपने बस में नहीं। हम लोग ऐसे कठपुत ले आए जिनकी डोर चौधरियों के हाथ में होती है। मैं समझा नहीं, कुछ बताओ तो सही। आज चौधरी गुलशेर चरागाह में आया था, बड़े शात्राना अंदाज से मुझसे मेरी उम्र का जिक्र किया और ये हुक्म दिया कि मैं यूसुफ को आपसे मांग कर उनकी खिदमत के लिए ले जाऊं और उसे भी आजड़ी बना दूं। इकबाल, यूसुफ मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं उसे तुम्हारे चौधरी के हवाले नहीं कर सकती। मैं जान दे दूंगी लेकिन यूसुफ नहीं दूंगी। जाओ जाकर अपने चौधरी से कह दो। तब कहां था वो जब फातो दम तोड़ रही थी और इस नन्ही सी जान का कोई पुरसाने हाल नहीं था। यूसुफ दे दो। इकबाल, मैं कल ही बड़े सरदार के पास जाऊंगा और इस जुल्म के खिलाफ उससे फरियाद करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बात जरूर सुनेगा और कोई ऐसा फैसला देगा जो हम सबको मंजूर होगा। सब फजूल है लाला, जिनकी किश्तियां होती है मल्लाह भी उन्हीं के हुआ करते। मोहतरम सरदार, आज लाला दीनानाथ फरियाद लेके हाजिर हुआ। लाला दीनानाथ अपनी फरियाद पेश करो। बड़े सरदार साहब, मैं आपके हजूर बड़ी उम्मीद लेकर हाजिर हुआ हूं और मुझे यकीन है कि मैं यहां से नाकाम नहीं लौटूंगा। अपना मुद्दा बयान करो दीनानाथ, फैसला हक और इंसाफ के अंदर होगा। हजूर, चौधरी गुलशेर के आजड़ी इकबाल की बीवी एक बच्चे को जन्म देकर वफात पा गई। मैंने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और आज जब मैं उस बच्चे को अपने बेटे सुंदर के साथ शहर में तालीम हासिल करने के लिए भेजना चाहता था तो चौधरी गुलशेर ने अपने आजड़ी को यह हुक्म दिया कि वो उसे वापस ले आए और उसे अपनी ही तरह एक आजड़ी बना दे। सरदार, मेरी आपसे यही दरखास्त है कि वो बच्चा मेरे पास रहने दिया जाए ताकि मैं उसे तालीम और तरबियत दे सकूं। चौधरी गुलशेर, अगर आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। काबिल एहतराम मोहतरम सरदार साहब और वज़ीर चिरका, इकबाल आजड़ी के बुजुर्गों का ये तहरीर नामा मेरे पास मौजूद है जिसमें साफ लिखा गया है कि हमने जो रकम
चौधरी खानदान से वसूल की है उस केस हम पुश्त दर पुश्त चौधरी खानदान की खिदमत करते रहेंगे। जनाबे वाला, मेरा आजड़ी इकबाल अब कमजोर हो चला है, इसलिए जरूरी है जनाबे वाला कि इसका 6 साल लड़का यूसुफ आज से ही अजड़ों की हिफाजत का काम शुरू करते हैं। इकबाल, चौधरी साहब कह रहे हैं अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। मालिक, हमारी रोजी और हमारी तकदीर तो हमारी चौधरी है, भी अगर मेरे यूसुफ को पढ़ने की इजाजत दी जाती तो मैं सारी उम्र आप लोगों को दुआएं देता। चौधरी जुबैर और चौधरी असलम साहब, सरदार आपकी राय जानना चाहते हैं। सरदार साहब और साथियों, हमारे यहां तो चौधरियों और मुकदमों के बच्चे भी नहीं पढ़ते, फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक मामूली आजड़ी का बच्चा स्कूल जाए? नामुमकिन। काबिले एहतराम सरदार साहब, हमें कोई एतराज नहीं कि कोई अगर आजड़ी या तालीम हासिल करना चाहे, लेकिन जनाबे वाला अगर ये आजड़ी लोग पढ़ ले गए तो अजड़ बिखर जाएंगे और हमारी जो रायात हैं वो दम तोड़ देंगे। मोहतरम सरदार और मिम्बरान जरगा, इकबाल के मरने के बाद चौधरी गुलशेर की खिदमत कौन करेगा? और फिर हमारे कबीले के दस्तूर के मुताबिक इकबाल के मरने के बाद उसकी जगह उसके बेटे यूसुफ को ही लेनी होगी, यही हमारे कबीले का दस्तूर है। मुद्दई मुदालिया और पंचों के ख्यालात सुनते हुए हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि चौधरी गुलशेर लाला दीनानाथ को परवरिशाना मबलिक 6,000 रुपए देकर यूसुफ को अपनी खिदमत में ले ले। क्योंकि तहरीर और कबीले की रिवायत के तहत गुलशेर को उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इंसाफ है एक बार कहद तकदीर ने हमारी तकदीर कल मिशिया से लिखी है लाला, इसे बदलने की नाकाम कोशिश मत करो लाला। सरदार के फैसले से सरता भी किसकी बजाल है?
मैं जानता हूँ लाला, तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, पर लाला मैं यूसुफ को कोई तकलीफ नहीं होगी, हैं? ले, ये थोड़ा रुपया रख ले। ले चाहिए आपका रुपया चौधरी साहब, आपका रुपया आपको मुबारक। खैर, एक माँ के दिल की कीमत चुका बन गए हम। विछड़न जो पुत मावा को दो हुण नानू चल ले। देखो एक बार, हम लोगों की जिंदगी ये अजड़ और पहाड़ ही है, इनसे बाहर निकलना हमारी मौत है, मौत समझे। बस अब दिन लगा कर काम करो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है तुम्हारी बात? वापिस दो मेरी कलम, मुझे लाला जी ने लिखने के लिए दी थी। बच्चे, अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है, इसे तो अब मैं लिखूंगा और इसके बदले तुम ये बांसुरी रखो अपने पास, तुम्हारे बड़े काम आएगा। बेटा शहर जाकर खूब पढ़ना और अपने सेहत का ख्याल रखना पुत्र। सुंदर नहीं आया। तुम कौन हो? मैं रुखसाना।
यहाँ क्या कर रही हो? हाय, तुम कितनी अच्छी बांसुरी बजाते हो। तो फिर और बजाओ ना। नहीं, मैं नहीं बजाऊंगा। सुंदर आएगा तभी बजाऊंगा। यार, जब भी मैं तेरे से बात करता हूँ तू जवाब ही नहीं देता। यार, जब तू कल मुझसे मिलने आया तो हमारे पीछे से कोई दो बकरियां उठा के ले गया। अगर ये बात चौधरी को मालूम पड़ गई तो वो हमें बहुत मारेगा। मारेगा ही नहीं, तेरी खाल भी खींच लेगा हरामखोर। कालू ने मुझे कल ही बता दिया था कि तूने बकरियों का नुकसान कर दिया है। लाला के छोकरे के साथ खेलता है और बकरी का ख्याल नहीं रखता। बच्चा है, मैं नुकसान पूरा कर दूंगा। नुकसान तो पूरा करना ही होगा, पता भी तभी लगेगा जब इसके खाते में दो बकरियां लिख दूंगा और इसे सबक भी सिखाऊंगा। ढंग से काम करो, समझे? कसूर हमारा था, चौधरी हमारे माँ बाप, हमने उनका नुकसान किया ना। बेटा मैं बेबस हूँ। मैं जानता था दोस्त, रूम में आ गया। तुम ही मुझे हर पल बहुत याद आते रहे। खूब जश्ती है तुझ पर, मेरा वही अफसर बन गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा सुंदर कितना सुंदर लग रहा है इस वर्दी में। ये सब आपकी दुआएं हैं बाबा। बेटा नौकरी कहाँ लगी है पुत्र? बाबा मेरी तैनाती इसी गांव में हुई है। अच्छा, कल मेरी हाजिरी है, सुबह ड्यूटी पे जाना है। अच्छा बेटा, अल्लाह निगहबान। कुछ अपनी सुनाओ यूसुफ। मेरे पास सुनाने को है क्या मेरे यार? चरागा अज्जर और ये बांसुरी, यही मेरा आगाज हुआ और यही अंजाम। गुर्बत और जुल्म की चक्की में पिसकर रह गया मेरा मुकद्दर। मेरे यार चिंता न कर मेरे दोस्त,
समय बदलते देर नहीं लगती, जो दुख आज है वो कल नहीं रहेगा। अरे कल का इंतजार कर यूसुफ, कल का। कल किसने देखा है मेरे यार, इस कल के चक्कर में तो सदियां बीत गई। आज की बात कर मेरे यार, आज की। देखो यूसुफ, आज और कल भगवान के हाथ में, देखते हैं क्या होता है। आओ चलते हैं, मां इंतजार कर रही है। आओ गजब हो गया, गजब। क्या बात है कमबख्त, जब भी आते हो कोई मनहूस खबर लाते हो। चौधरी साहब, रुखसाना ने रीछ पर हमला कर दिया। क्या बकवास करते हो? नहीं नहीं, रीछ ने रुखसाना पर हमला कर दिया। रुखसाना पर? या अल्लाह, मेरी बच्ची पे रहम करना। रुखसाना, बोलो बेटा, बोलो। बेटा, तुम्हारा बाबा, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। बाबा। बेटा, 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 बेटा। बाबा, अगर आज यूसुफ न होता, आपकी रुखसाना जिंदा न होती। शाबाश बच्चा, आज तुमने रुखसाना की जिंदगी बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। चौधरी साहब, इंसान ही इंसान के काम आता है, और मुझे खुशी है कि आज भी आपके कुछ काम आ सका। अरे तुम तो बहुत जख्मी हो गए हो। इन जख्मों का क्या है चौधरी साहब, चंद दिनों में भर जाएंगे। और वैसे भी अब मैं जख्म खाने का आदी हो गया हूँ।